की वीडियोस काफी डिलीट की हैं अदालत ने, पीटीए ने, कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा क्या था आपकी वीडियोस के अंदर जो वो डिलीट हुई है? आप मेरे घर को आज आप अभी ना करें, मैं एज ए मीडिया करते हैं। आपके बंदे तो खुफिया वीडियो बनाते हैं, क्या आपके बंदे खुफिया वीडियो? आप भाग रहे हैं, आप चैनल पे भी बदतमीजी करते थे, ये बदतमीजी नहीं कर रही? आपके बंदे खुफिया वीडियो बनाते हैं, वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। नाज़रीन, मियाँ आसिफ जुनैरा महम के साथ अक्सर ही हमें वीडियोस करते हुए नज़र आते हैं और वो वीडियोस में इस तरह की बातें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। अब कल ही एक वीडियो सामने आई जिसमें वो एक खातून सहाफ़ी उनसे एक सवाल पूछ रही हैं, जिसके बाद उन्होंने जवाब तो पता नहीं दिया या नहीं दिया, उनसे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की है। तो आज के शो में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा शकील साहिबा, जिनके साथ ये सारा सानहा पेश आया। बुशरा साहिबा, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो सारा एक सीन क्रिएट हो गया था, इसके पीछे वजह क्या बनी थी? जी मारिया चौधरी, देखिए क्यों का जवाब तो मेरा ख्याल है कि पूरी आवाम के पास है, वो पूरी आवाम जानती है कि किस तरह से इन्होंने शुरू दिन से, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि इन्होंने पहली दफा बदतमीजी की है। ये इनके पैनल के किसी बंदे ने जो है वो किसी खातून के साथ बदतमीजी की है। आपको पता है कि डे वन से इनका पूरा जो पैनल है वो बदतमीजी करता रहा है, वो इसी तरह से अपने चैनल्स पे बैठ के भी औरतों की तस्वीर करता रहा। तो मेरे एक सिंपल क्वेश्चन के ऊपर वो बहुत ज्यादा भड़क गए, जिसमें मेरा ख्याल भड़कना बनता नहीं था, लेकिन वो शायद मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि इनको अपनी बेइज्जती इसमें महसूस हुई थी, तो वो चीज बर्दाश्त नहीं कर सके। और वैसे भी आपको पता है कि ये लोग सच सुनना जो है वो पसंद नहीं करते, हकीकत पसंद नहीं है, तो शायद इस वजह से इनको जो है वो गुस्सा आ गया था। बुशरा जी, हम देखते हैं कि वीडियो में उन्होंने आपको आपके सवाल का जवाब नहीं दिया था, आप उनसे ये पूछ रही थी कि उन्होंने वीडियोस क्यों डिलीट की, तो क्या आपकी आपका कैमरा ऑफ होने के बाद आपकी उनसे कोई बात हुई या उन्होंने आपको इस बात का जवाब दिया? नहीं जी, रابطہ इन्होंने क्यों करना था, और वैसे भी मेरा कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं उनसे रابطہ करूँ या वो मुझसे रابطہ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वजह जो है वो अगर उन्होंने बतानी होती तो वो उसी वक्त बता देते, जिस तरह उनसे पूछा गया था कि आपकी वीडियोस जो है वो क्यों डिलीट हुई थी, तो ये तभी बता देते। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ आपके चैनल पे कि इनकी वीडियोस क्यों डिलीट हुई है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा मवाद था, उसके अंदर जो मेहदी भाई जो है उनकी बहुत ज्यादा तस्दील की गई थी, उनकी जो पूरी फैमिली है उनके लिए बहुत ज्यादा तस्दील की गई थी, बहुत इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे जो कि नहीं करने वाले थे, और बगैर किसी वजह के उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा अपने चैनल पे बैठ के इनके पैनल के हर बंदे ने उनकी जो है वो बहुत इंसल्ट की थी, जो कि इस केस का हिस्सा नहीं था। इन्होंने शुरू से ही केस में रह के बात ही नहीं की है, आउट ऑफ द वे जाके इन्होंने हमेशा बात की है, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे, वो चाहे मेहदी भाई की फैमिली हो, ये भी सबको पता है कि उनके लिए चाहे बात करनी हो इन्होंने तब भी यही सब कुछ गलाजत बकी है, और चाहे वो हम यूट्यूबर्स खवातीन हो, इन्होंने हमारे लिए भी आप जानते हैं कि किस किस्म के नजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और उनके लिए भी खैर अलग एक प्रोसेस चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला उसकी भी जल्दी आपको अपडेट देंगे हम। बुशरा जी, जैसे हम देखते हैं कि मियाँ आसिफ अपनी अक्सर ही वीडियोस में बहुत ज़्यादा तहजीब सिखाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब हमने ये कल वाली आपकी वीडियो देखी है तो इसमें ऐसा लग रहा है कि उनका दूर दूर तक कोई तमीज़ और तहजीब से वास्ता ही नहीं है, तो आपके ख्याल में इस सबका उनकी इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा? मारिया चौधरी, आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने पहले कब खवातीन की इज्जत की है, कब इन्होंने दर्स दिया है खवातीन के ऊपर, कोई अच्छी बात की हो? मेरा नहीं ख्याल है कि इन्होंने, मैंने तो इनको जब भी देखा है या मेरे और आपके नाज़रीन ने जब भी इनको देखा है तो वो मतलब गलाजत से भरी बातें करते हुए सुना है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इनकी पहले भी कोई अच्छी बातें थी, तो इनको पता ही नहीं है कि औरत की इज्जत क्या होती है, औरत से बात करने का जो एक तरीकेकार होता है वो क्या होता है, तो इनको ये ही नहीं पता। और ये आपने देखी होगी वीडियो, तो ये वहां पे ये मुझे कह रहे थे कि जर्नलिज्म के एथिक्स होते हैं, तो एथिक्स तो मेरा ख्याल है कि इनको भी नहीं पता
कि एथिक्स कहते किसको है, जर्नलिज्म कहते किसको है। जर्नलिज्म का मतलब ये तो नहीं है, जर्नलिज्म आपको ये सिखाता है कि आप बैठ के औरतों की जलील उनको तस्लील करें, या किसी फैमिली को जो ऑलरेडी इतनी मजबूर है उसको आप बैठ के तो इतने मतलब गलत अलकाबात उनको दे। तो बाकी अफेक्ट की बात है, तो अफेक्ट्स जो इनके ऊपर पढ़ने थे वो तो पहले भी ही पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी वीडियोस डिलीट हुई हैं। तो अभी मेरी इस वीडियो के बाद मुझे नहीं पता कि इनके ऊपर क्या असर होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि तो आने वाला वक्त बताएगा। बुशरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मगविया बच्ची का केस इतना सेंसिटिव होता जा रहा है कि लोग अब अदालत के बाहर भी एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सामने बात ये आई कि जो लोग स्क्रीन पर बैठे हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, तमीज़ तहजीब का दर्ज देते नज़र आते हैं, वक्त आने पर वो कितने बदतमीज़ भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बुशरा शकील के साथ मियाँ आसिफ ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।